आज की इस वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक अपकमिंग अफोर्डेबल है सेक्टर 90 के अंदर, मार्केट में ऑलरेडी न्यूज़ चल रही है, तो उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ घर पे बैठ के बताता नहीं हूँ, मैं आपको लोकेशन पर ले जाके दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये साथ में एमआरजी अल्टीमस है, एमआरजी का पहला मतलब पहले वाला प्रोजेक्ट जो अल्टीमस है, ये अल्टीमस है। अल्टीमस के साथ में जो ये मेन डोर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एमआरजी ने ज़मीन खरीद ली है। नियर अबाउट अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है कि 5 से 5.5 एकड़ के अराउंड की लैंड अभी परचेज की है, 1.5 एकड़ और लैंड परचेज करने का इनका चल रहा है सीन, क्योंकि पीछे ही लैंड है और बात चल रही है, अच्छी बातचीत चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ टाइम में, मतलब अभी का तो प्लान इनका नहीं है जैसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फेब मैक्सिमम उस टाइम तक ये इसको लॉन्च करेंगे। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, अगर आप लोकेशन देखोगे ये है 75 मीटर रोड, जो कि अभी तो 75 नहीं है, अभी सिर्फ ये 24 से 30 मीटर मैक्सिमम होगा ये रोड। ये रोड यहाँ से लेके पीछे तक जाएगी, पीछे आपको जो ये ब्लू वाला खंबा दिख रहा है ये यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्रेसवे और अदर सेक्टर्स में अगर सेक्टर रोड को चेक करना हो जो 60 मीटर या 60 मीटर से चौड़ी रोड है, तो वहाँ पे आपको ये ब्लू वाला खंबा दिख जाएगा, 24 मीटर रोड पे नहीं दिखेगा। और एक गुड न्यूज़, अगर आपका फ्लैट आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, अगर आपका इसमें निकल जाता है तो आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट, साथ में RVS हॉस्पिटल है, बिल्कुल साथ में है रोड की दूसरी साइड। यहाँ पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है ये RPS स्कूल है, मतलब वॉक इन डिस्टेंस है, अगर RPS स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो तो वॉक इन डिस्टेंस से वो जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इस प्रोजेक्ट के रोड की दूसरी साइड ये जो आपको बाउंड्री वॉल यहाँ पे दिख रही है, ये MR ग्रुप का SCO लॉन्च होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक ये लॉन्च कर देंगे, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियो अभी स्टार्टिंग में, मैं जब तक बिल्डर की साइड से डेट कन्फर्मेशन नहीं होती तब तक मेरे प्रीमियम चैनल पर होगी, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन मैं पहले पहुँचाऊँगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दे आर पेइंग मी समथिंग, सो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचेगी। और इसी तरीके से और भी अदर प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रीमियम मेंबरशिप पे पहले दूंगा, नॉर्मल चैनल पे बाद में आएगी। तो ये एक छोटा सा अपडेट था कि जो अफोर्डेबल का वेट कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन का, अच्छे बिल्डर का, वो इसमें अपना लक ट्राई कर सकते हैं। MRG बहुत ही रिनॉन्ड नेम है, सिग्नेचर के जो पहले 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उसमें MRG का भी पार्टिसिपेंट है, मतलब इनका भी अपना हैंड है, क्योंकि इन्वेस्टर हैं ऑब्वियसली बात है, तो पैसा लगाया है, तो जो 3 प्रोजेक्ट बने हैं उनमें इनका भी हाथ होगा। और कंस्ट्रक्शन की आप देखोगे स्पीड काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी रुकी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से अभी स्टे लगा हुआ है, स्टे इन द सेंस प्रोजेक्ट पे स्टे नहीं है, पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली NCR के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। सामने की साइड आपका MR हो गया, ये आपके 75 मीटर की रोड हो गई। NH8 का डिस्टेंस अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो नियर अबाउट 2 से 2.5 किलोमीटर का पड़ेगा NH8 इस साइड पर, मतलब इस वाली साइड NH8 पड़ेगा और इस वाली साइड आपका पटौदी रोड पड़ेगा। एक्सप्रेसवे का अगर यहाँ से डिस्टेंस बताऊँ तो 1 से 1.5 किलोमीटर, एक नहीं पड़ेगा सॉरी 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा आपका, यहाँ से आपको इस साइड जाना होगा, मतलब राइट जाना होगा NH8 की साइड, और फिर NH8 की साइड से आपको लेफ्ट लेना होगा, मतलब नॉर्मली अगर बताऊँ तो 1.5 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो होगा आपका एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। तो ये था बेनिफिट आपका प्रीमियम मेंबरशिप लेने का, कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट अफोर्डेबल या कोई भी लग्जरी आएगा तो थोड़ा सा, लग्जरी में तो नहीं अफोर्डेबल में पहले बता दूंगा थोड़ा सा, कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर लो। और इस एक चीज़ बता दूं, इसके पीछे की साइड बहुत लोग की क्वेरी होगी कौन सा बिल्डर है क्या है, तो ये जो MRG की जितनी भी लैंड दिख रही है, जो पीछे वाला टावर है, इसके जस्ट बैक साइड पे ऑरिस ग्रुप का ही लैंड है जिस पे वो फ्लोर बना के सेल करेंगे या लैंड सेल करेंगे, मतलब आपका ग्राउंड प्लस 4 से ज़्यादा हाई राइज नहीं होने वाला। तो बहुत लोगों को टेंशन हो जाती है कि पीछे हाइट, मतलब ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग आ जाएगी, विंड प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि पीछे सारी लैंड जो है वो ऑरिस ग्रुप ने कवर कर रखा है, और अभी ऑरिस ग्रुप ने ऐसा कुछ लॉन्च किया नहीं है, बट जो 99% प्लानिंग है वो है सिर्फ प्लॉटिंग की, अगर इन एनी चांस अगर प्लॉटिंग सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर वो फ्लोर बना के सेल आउट करेंगे। तो फ्लोर से ज़्यादा वहाँ पे हाई राइज नहीं आने वाला, क्योंकि ऑरिस अभी हाई राइज से आउट हो चुका है, ऑरिस हाई राइज अभी कोई भी डेवलप नहीं कर रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ फंडिंग प्रॉब्लम। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, MRG का जो अल्टीमस है उसका एक्सटेंशन आने वाला है, उसके बारे में मैंने आप लोग को डिस्क्राइब कर दिया। जिनको भी इसके अंदर अप्लाई करना है या अपना लक ट्राई करना है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे MRG अल्टीमस एक्सटेंशन लिख के कर सेंड शेयर कर दो। जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा मैं आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट एड एंड मतलब बना लेता हूँ MRG अल्टीमस एक्सटेंशन का, जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपको, अगर आपके फ़ोन में मेरा नंबर सेव है तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाएगा कि विद इन अ वीक या कभी भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एडेड है मेरे या मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है उनको ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले पहुंचा देता हूं। तो एक छोटा सा अपडेट था, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बताएं, क्योंकि प्रीमियम मेंबरशिप पे मैंने देखा है लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, क्योंकि थॉट्स बताना देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूं या मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो आप अगर मुझे बताओगे तो मैं उसको करेक्ट करके अपने आप को सही कर सकता हूँ। तो
अगर कोई भी चीज़ कमी लग रही है मेरे वीडियोस में, तो आप प्लीज़ उस मेरे को करेक्ट करो, कमेंट करो, फिर उसको करेक्ट करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अब मैं आपको अगले किसी अच्छे प्रोजेक्ट के वीडियो में मिलता हूँ।